हेलो uh, हाँ जी नमस्कार दोस्तों वेरी गुड इवनिंग सबने राम राम एंड आई वेलकम यू ऑल यूर डाकू सीरीज दैट इज डॉक्टर आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अबाउट बायोटेक्नोलॉजी इसमें हम कंप्लीटली बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे यूपीएससी एच सी एस मेन्स स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए कि कैसे उसमें पूछा जाता है सो लेट अस सी किन किन uh, के बारे में अपन चर्चा करेंगे पहला तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी ये है क्या आर द रिलेटेड न्यूज जो अभी करंट में इससे संबंधित चल रही थी वो अपन देखेंगे देन वी विल सी आर द ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे फील्ड्स में इसके एप्लीकेशन है सारे के सारे अपन चेक करेंगे देन वी विल सी आर द एथिकल रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी उसके बाद इंटरनेशनल uh, लेवल पे क्या चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी में देन इंडिया में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं कैसे इसको रेगुलेट किया जा रहा है सो कंप्लीट डिस्कशन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी आपका यहां से रहेगा आपका पूरा टॉपिक यहां से कवर हो जाएगा डाकू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं इट इज अबाउट डॉक्टर अमित करंट अपडेट यूपीएससी एच स्टेट पीसीएस मेन्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू करी है मंडे टू फ्राइडे सेवन पी एक टॉपिक हम इसमें डिस्कस करते हैं थोरोली uh, मेरा टारगेट होता है कि उसके बारे में सारा का सारा आपको बताया जा सके ताकि आपको कहीं और से वो टॉपिक कंप्लीट करने की जरूरत ना पड़े पीडीएफ से हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे uh, मिल जाएगी uh, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा एंड इफ यू टू आवर चैनल यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर अकेडमी Dr. इज uh, and I have qualified Haryana Civil Services 2019. Given UPSC IAS interview three times, and right now I am a teacher. So let us see the PDF. ओके, okay. सो so, सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि आ, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी तो जो बायोलॉजिकल हमारे पास चीजें हैं जैसे बैक्टीरिया वायरसेस जो उनको यूज करके उनको प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है प्रोसेस प्रोडक्शन में ताकि उससे हम कोई नई चीज बना सकें जैसे आ, कोरोना के टाइम पे वैक्सीन भी तो बहुत सारे एप्लीकेशन इसके हैं तो बेसिकली चीज क्या है कि आपके प्रोडक्ट और प्रोसेस आप किससे बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर एंजाइम से जो उन ऑर्गेनिज्म से सीक्रेट होते हैं देखिए ट्रेडिशनली भी अगर अपन देखें तो पहले भी इसका यूज होता रहा है जैसे ईस्ट है वो आपका एल्कोहल बनाने के लिए काम में आता है उसको फर्मेंटेशन करके अपन करते हैं कहीं ना कहीं वो भी बायोटेक्नोलॉजी है बट मॉडर्न लेवल पे अगर अपन देखें तो हम जेनेटिकली uh, मॉडिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को टू गेट द प्रोडक्ट वी फॉर अगर आपको इंसुलिन चाहिए तो आप organism को मॉडिफाई करेंगे इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे और आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा तो ऐसा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है इसमें आपकी रिकम्बे डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करी जाती है जो डीएनए है उसको चेंज किया जाएगा उसमें कुछ चीजें ऐड करी जाएंगी डिलीट करी जाएंगी उसको मॉडिफाई किया जाएगा ताकि वो हमारी नीड्स के हिसाब से हम उसको यूज कर सकें बेसिकली द मेन थिंग इज इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन पे आपका फोकस रहेगा ताकि इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो है उसको यूटिलाइज किया जा सके अब यहाँ पे वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इतना डिटेल में किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज रेड बायोटेक्नोलॉजी वाइट बट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये आप पीडीएफ के थ्रू देख सकते हैं नाउ लेट सी वट इज द रिलेटेड न्यूज सबसे पहले जनवरी 2022 हजार कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे आपके ग्रीन ईटिंग बैक्टीरिया टू रिस्टोर क्लासिकल आर्ट नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जो हमारी क्लासिकल आर्ट जो पुरानी हो जाती है उसमें बैक्टीरिया वायरस या फिर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन होके वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं बट यहाँ पे एक ऐसी वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया मिली है जो उसको रिस्टोर करने के काम में आ रही है तो वो उसको क्लीन अप करता है पूरा बना देता है तो पहली न्यूज तो ये जनवरी की थी अक्टूबर 2021 में भी यहां इथेनॉल मैन तो इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम इथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं और कैसे उसको रिप्लेस किया जा रहा है ब्लेंड करके भी तो उससे क्योंकि यहां पे आपका कार्बन कंटेंट जो है वो इथेनॉल में काफी कम होता है तो आपका पोल्यूशन काफी कम होगा सेकंड जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए हम एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी क्योंकि इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे तो वहां से भी पैसे आएंगे अपार्ट फ्रॉम जो आप क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसीलिए ये नया फ्रंटियर ऑफ बायो इकोनॉमी बोला जा रहा है अगेन इन दोनों को मिलाया गया है बायोटेक्नोलॉजी प्लस इकोनॉमी क्योंकि उससे हम पैसा कमा रहे हैं ठीक है थीके? सो नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशन बहुत ही सारी एप्लीकेशन है नंबर वन तो क्लोनिंग देखिए क्लोनिंग आपको पता ही है आइडेंटिकल जो ह्यूमन है उसका यूं का यू प्रोड्यूस किया जाता है फॉर एग्जांपल मेरा अगर क्लोन बनाना है तो मेरी जो सेल्स हैं उसका न्यूक्लियस ले लिया जाएगा उसको दूसरे में डाला जाएगा सेल में जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा और उससे क्लोन्स बनाए जाएंगे एग्जैक्ट जो आपकी रेप्लिका है वो यहां पे बनाई जाती है ठीक है तो सिंगल पेरेंट होता है एक ही पेरेंट है और जो प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है न्यूक्लियस को रिमूव करके सबसे पहला जो हमारा क्लोन था वो था डोली शिप जो थी सबको पता ही है आ, आप बता सकते हैं कि हरियाणा का जो सबसे पहला क्लोन था उसका क्या नाम था ठीक है सेकंड एग्रीकल्चर में भी हम इसको यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज और डिफिकल्टीज की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी डिक्रीज हो गया है काफी चैलेंजेस हैं फार्मर्स के सामने तो या फिर पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल्स हम जो यूज करते हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जैसे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आप प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया फंगस एनिमल्स और टेलर मेड प्लांट जैसे किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लो स्ट्रेस है कोल्ड ड्रॉट या फिर साल्ट रेजिस्टेंट हम स्पीशीज बनाते हैं हीट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ रही है तो उसमें जो रेजिस्टेंट आपको प्लांट बनाना है वो आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं अगेन रिकम्बेन्ेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी क्योंकि पेस्ट की समस्या भी आपकी बढ़ जाती है कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा होती है तो वहां पे ये क्रॉप आपकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्योंकि मान लो जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं उनको कैसे उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीन मॉडिफिकेशन की मदद से कैसे उसको इंक्रीज किया जा सकता है ताकि वो जो हमारा एनवायरमेंट है उसको सस्टेन कर सकें तो ये भी इसमें काम में आएगा कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट उसको कैसे जो इसको हम बोलते उसको कैसे और बेटर बनाया जा सकता है तो उसमें भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करेगा ऑल्सो न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल जो विटामिन गोल्डन राइस काफी कॉमन एग्जाम्पल है कि फोर्टिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीज करके क्रॉप की वो भी हम इसकी मदद से कर सकते हैं सो देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जीएम क्रॉप्स के केसेस में जो मेजर डिसएडवांटेज है अगर हम इंडिया के कंटेक्स में भी बात करें तो एक ही आपकी कंपनी है जो इसमें मेजरली काम कर रही है दैट इज मॉन्सेंटो मॉन्सेंटो की मोनोपोली के कारण क्या हो रहा है कि वो काफी प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं ऑल्सो जो उनकी प्रैक्टिस हैं वो उतनी एथिकल भी नहीं मानी जाती सेकेंड चीज जो इम्पैक्ट है हमने कोई भी प्रोडक्ट बना लिया क्या आपने उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स करे उसका ह्यूमन लाइफ पे भी इंपैक्ट रहेगा क्योंकि वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं एनिमल लाइफ पे भी हो रहेगा सॉइल जो है हमारी या फिर एनवायरमेंट जो है वाटर है हर चीज पे उसका इंपैक्ट रहेगा बट हम क्या कर रहे हैं कि पूरा इंपैक्ट एनालिसिस किए बिना ही उसको यूज में लाया जा रहा है तो ये एक है एलर्जिक रिएक्शन आपकी हो सकती है या फिर सुपरवीड्स कि मान लो आपने रेजिस्टेंट कोई क्रॉप बनाई है वो उससे तो रेजिस्टेंट है बट लेटर ऑन क्या पता वो बहुत सारे चीजों से ही रेजिस्टेंट हो जाए और उतनी कामयाब ही ना रहे तो सुपरवीड जो आपके बन जाते हैं जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट में भी हम देख सकते हैं तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से भी उतनी ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे अभी है नहीं तो दीज आर द मेजर इश्यूज जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने बनाया है इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बीटी जिसको अपन बोलते हैं बीटी कॉटन बीटी टोमेटो बीटी ब्रिंजल ठीक है जिनको लाया गया था बीटी कॉटन तो हम उगाते भी हैं बट फूड में अभी अपन ने इसको अलाउ नहीं किया है जो आपका जीईएसी है उसने अलाउ नहीं किया है फिकेशन फोर्टिफिकेशन मतलब होता है आप उसको इंक्रीज करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे आ, ये आपका जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उसमें हेल्प करेगा तो आप जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको कम से कम यूज कर सके माइक्रोन्यूट्रिय तक ठीक है या फिर जो हमारा आ, प्लांट ब्रीडिंग है कन्वेंशनल क्रॉस ब्रीडिंग जो हम कराते हैं नेचुरल तरीके से उससे भी आपका फोर्टिफिकेशन किया जाता है ठीक है अदर देन दैट जी आ, जो हमारा जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू जो हमने बायोटेक्नोलॉजी में देखा कि भाई जींस को ऐड करके मॉडिफाई करके भी आप बना सकते हैं तो ये सारे के सारे रहते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे आयरन को ऐड किया जाता है जैसे आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है तो उसको ऐड करके यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई गई है राइस बीन्स पोटैटो कसावा ऐसे ही जिंक है जिंक का बायोफोर्टिफिकेशन करके वीट राइस बीन्स भी बनाए गए हैं प्रोविटामिन ए भी है एमिनो एसिड्स हैं प्रोटीन हैं यानी बेसिकली द थिंग इज आप कुछ भी प्रोडक्ट या न्यूट्रिएंट जो है जिसको ऐड करना चाहते हैं इसकी मदद से ऐड किया जा सकता है वो जो जीन्स हैं जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं उन्हीं जीन्स को ऐड किया जाएगा और उससे वो प्रोडक्ट आपका बनाया जाएगा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जैसे इंसुलिन आपको पता ही है इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज हो जाती है जिसको हम आ, देसी भाषा में शुगर की बीमारी बोलते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज्यादा होने लग जाता है तो होता क्या था कि जो हम पहले एनिमल्स से इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे उससे कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जाती थी कुछ की बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती थी नाउ विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम ह्यूमन इंसुलिन रहे हैं जो सबको अच्छे से मदद कर पा रहा है ठीक है ऑल्सो जीन थेरेपी थेरेपी मतलब होता है ट्रीटमेंट तो ऐसे डिजीज बहुत सारी जिनमें जीन्स में चेंज करके उनको ट्रीट किया जा सकता है कई बार क्या होता है कि पहले ही मतलब जब आप जायोड की स्टेज में है एम्ब्रियो की स्टेज में है तब भी जीन मॉडिफिकेशन करके किया जाता है ताकि आने वाली जनरेशन्स में वो बीमारी ना कैरी ऑन हो, हो तो ये भी इसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है डायग्नोसिस में भी हम हेल्प करते हैं पहले होता था कि आपको डायग्नोस करने के लिए बैक्टीरिया वायरस उनका जो लोड है वो बहुत ही ज्यादा हो तभी हम डायग्नोस कर पाते थे बट विद द यूज ऑफ दिस दिसमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के बहुत कम क्वांटिटी में भी है तब भी आप पता लगा सकते हैं सो दैट इज हाउ इट इज डन एक और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बार बार यूपीएससी में क्रिस्पर पे पूछा जाता है कैस नाइन पे पूछा जाता है कि ये क्या है किससे संबंधित है इसमें भी वही होता है जैसे या तो आप इंसर्ट कर देंगे डीएनए को ऐड कर देंगे या फिर उसको डिलीट कर देंगे मॉडिफाई कर देंगे तो यही सारे के सारे इसमें होते हैं कैसा इन याद रखना है इसको यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए ठीक है फिर हम इससे ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाते हैं मतलब जिनमें ये आ, आपके मॉडिफाइड जीन्स डाली जाती हैं बेसिकली इन एनिमल्स को बनाया जाता है स्टडी के प्रस्पेक्टिव से तो यहाँ पे हम आ, कैसे जीन्स आपकी रेगुलेट कर रही हैं उससे क्या डेवलपमेंट हो रही है क्या कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम उससे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या फिर जैसे वैक्सीन है फॉर एग्जाम्पल कोरोना तो उसकी एफिकेसी अगर आपको टेस्ट करनी है तो आप जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपने बनाया है उन पे टेस्ट करके आगे उसको ले सकते हो ऑल्सो एथ इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे आप फ्रक्टोस्कोन सिरप बना सकते हैं वेरियस एप्लीकेशन कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जैसे स्वीटनिंग एजेंट आप सॉफ्ट ड्रिंक में जो यूज करते हैं या फिर एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी हम इसको यूज करते हैं इन्थ एनवायरमेंट में अगर अपन देखें तो यहां पर जैसे क्लीनिंग के लिए एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए एक काफी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है सुडमोनास पुटीटा ठीक है तो ऑयल स्पिल्स वगैरह जो आपकी होती है उनकी क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है तो ये इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी टेंथ मेजर एप्लीकेशन इज बायोफ्यूल्स तो एक तो बायोफ्यूल आपका सेपरेटली भी पूछा जा सकता है और यूपीएससी में डायरेक्टली बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हर एक साल छोड़ के एक सवाल तो आता ही रहता है कि बायोटेक्नोलॉजी उसकी एप्लीकेशन क्या है या इंडिया में उससे रिलेटेड क्या किया जा रहा है या क्या और ज्यादा अपने को करने की आवश्यकता है तो वैसे हमारे आ, जो बायोफ्यूल है वो बेसिकली चार जनरेशन में अपने चलते हैं जनरेशन वन टू थ्री फोर वन में जो आपके होते हैं फूड

यहां पे फोर्थ में आपकी बायोटेक्नोलॉजी यूज में आ रही है नाउ वी हैव सीन द लेट सी आर द एथिकल सबसे पहला तो यही सारी की सारी चीजें कि भाई हमने uh, जो भी इंपैक्ट है क्या उनको असेस किया है ह्यूमन लाइफ लाइफ पे पे एनिमल या फिर एनवायरमेंट में किस तरीके का इंपैक्ट आएगा बिना असेस करें हम यूज uh, कर रहे हैं वन मेजर कंसर्न ऑल्सो क्या लीगल uh, इश्यूज क्या कोई रेगुलेशन इससे रिलेटेड हैं क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं या फिर उनको एंश्योर करने के लिए क्या आपके पास मैकेनिज्म है वो भी हमें नहीं पता है ठीक है तो ये सारा का सारा हो जाएगा अब इसमें मेजर है कि जो आपका वर्ल्ड कम्युनिटी है क्योंकि हर जगह इसकी एप्लीकेशन आ रही हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड वन ऑफ द मेजर ग्रोइंग फील्ड आपका बायोटेक्नोलॉजी है तो एक कॉमन स्टैंडर्ड आपको बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है पहली चीज ठीक है ऐसे ही जो ये अपन ने डिस्कस कर लिए अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स जो होंगे आपको पता ही नहीं है मे बी आप आज यूज करना शुरू करो 10 साल 20 साल 30 साल बाद क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसे ग्रीन uh, रिवोल्यूशन आपका आया था तो पेस्टिसाइड्स हमने ज्यादा यूज करे केमिकल्स यूज करे न्यूट्रिएंट्स यूज करे बट उसकी वजह से आज के टाइम पे कैंसर केसेस जो आपके हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं स्पेशली इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा तो ये भी आपको देखना पड़ेगा पेटेंट के इशू है जो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं क्लैशेज हो रहे हैं और कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो उससे रिलेटेड पेटेंट वाला वैसे तो सेपरेटली आपका पूछा जा सकता है बट हाँ यहाँ पे भी आपका इशू है ऑफ टारगेट इफेक्ट मतलब जिस चीज को आप टारगेट कर रहे थे उसके अलावा अगर मान लो गलत तरीके से उसको डाल दिया गया है जीन को तो उसके क्या इफेक्ट होंगे इसके बारे में भी हमें नहीं पता है या फिर होंगे तो उनको कैसे टैकल किया जाएगा वो भी हमें नहीं पता देन सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज कि हमारी सोसाइटी वैसे ही इनइवालिटी बढ़ रही है बट अगर बायोटेक्नोलॉजी और उसमें भी क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते उनके प्रोडक्ट्स और ये सब तो उस इनइक्वालिटी को कैसे एड्रेस किया जाएगा जिन लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे वो इसका फायदा उठा लेंगे नहीं होंगे अगेन आपका जो गैप है वो और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा तो डिस्पैरिटी आपकी इंक्रीज होगी नाउ uh, ये जो टेबल है इसमें हमने सारे के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स डिस्कस करे हैं जैसे कि पॉजिटिव uh, में हाई क्वालिटी फूड आपको मिल जाएगा पेस्टिसाइड हो सकता है आपको कम यूज करने पड़े फार्मिंग आपकी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी क्योंकि प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में हम बात कर रहे थे आउटपुट हमारे हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज को आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो देर आर मैनी थिंग्स ठीक है ये अपन ने डिस्कस करें एथिकल जो इश्यूज हैं वही सारे के सारे अपने इधर रहेंगे कि हमें पता नहीं है किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ठीक है किस लेवल तक आपको यूज करना है जो छोटे फार्मर हैं जो इसको यूज नहीं कर सकते हो सकता है वो बिजनेस से आउट ही हो जाएं जो हम डिस्पैरिटीज की बात कर रहे थे फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है कंट्रीज जो हैं उनमें और ज्यादा आपका पॉवर्टी देखने को मिल सकती है ठीक है फूड एक्सपोर्ट्स आपके घट सकते हैं क्योंकि आ, जैसे आपने देखा होगा यूरोप वगैरह है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज है वो इंडिया के कई प्रोडक्ट्स को अलाउ नहीं करते बिकॉज ऑफ अडल्ट्रेशन या फिर अगर जीएम क्रॉप्स भी हैं उनको भी अलाउ नहीं करते तो यहाँ से आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो घट सकते हैं ओवर प्रोडक्शन भी एक मेजर इश्यू है कि आपने आ, जो प्रोसेस है उसको सेट कर लिया बट कितना प्रोड्यूस करना है कितना नहीं करना तो आप ओवर प्रोड्यूस बिकॉज क्योंकि इकोनॉमिकल है तो आप हो सकता है ये भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल जाए ये बाकी के जो हैं वो आप आ, उससे देख सकते हैं पीडीएफ से ठीक है इंटरनेशनल लेवल पे देखिए ये डायरेक्टली पूछा जाता है डायरेक्ट नागोया है, उनसे आपका रहता है तो कार में जींस नाग जो है वो एक्सेस जो भी मान लो आपने चेंजेस करे हैं जीएम क्रॉप से संबंधित तो उसका जो बेनिफिट है वो कैसे हम इक्विटेबल शेयर करें सबको बराबर मिले उसको इंश्योर करता है आपका नागोया प्रोटोकॉल तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोनों के दोनों ये हमारे रहेंगे ऐसे ही हमने आ, एक थर्ड जो प्रोजेक्ट है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कि सारे के सारे जो हमारे ह्यूमंस हैं उनका जो जीनोम है सबका नहीं बट हाँ एक सेलेक्टिव पॉपुलेशन का लेके उनके जीनोम को हम आइडेंटिफाई करके उसको बनाना चाहते हैं इसमें दो टाइप के आपके प्रोजेक्ट थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड एंड राइट जिसमें दोबारा से लिखा भी जा रहा है ठीक है तो ये आपके रहेंगे उन्नीस से दो इंडिया जो है वो पहले वाले प्रोजेक्ट में नहीं था बट राइट वाले प्रोजेक्ट में इंडिया अभी, अभी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन

फर्टिलाइजर -E तो के अंडर आता है क्लिनिकल ट्रायल्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखती है तो ये सारे के सारे इंडिया में डिपार्टमेंट्स हैं आपके ये उसी को थोड़ा सा डिटेल में बनाया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी इसके अंडर है जीई -E आपको ध्यान में रखना है स्पेशली फोकसिंग ऑन द जीएम क्रॉप ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और उनका इंट्रोडक्शन की है, नहीं है किसको अलाउ करना है किसको अलाउ नहीं करना है ये सारे, सारे चीजें ऐसे ही जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे जो इंडियन क्योंकि इंडिया का जो जीनोम है वो स्पेसिफिकली हमारी जियोग्राफी के हिसाब से है तो वो भी हमें सेपरेटली तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो उसी को करते हुए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हमारा क्योंकि लाइफ स्टाइल हमारा एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है ऐसे ही एक और चीज है इंडियन कैंसर जीनोम जीरोमेटलिस जिसमें हम सारे के सारे जो भी कैंसर प्रिवलेंट है हमारी कंट्री में उनको पता लगा रहे हैं और कौन कौन सी जीन्स उनको रेगुलेट कर रही हैं कैसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उनको हम सोल्व कर सकते हैं ट्रीट कर सकते हैं उससे रिलेटेड एक दो हजार से लेकर 25 तक नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आपकी है जिसमें आ, जो भी पोटेंशियल है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर सिटीजन तो उस पर आपका फोकस रहेगा कुछ क्रॉप्स के एग्जाम्पल ये आपको पता ही है बीटी कॉटन एच टी बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल तो ये तो आपका जैसे बीटी कॉटन जो है वो पेस्ट पिंक बुलवॉम इसके अगेंस्ट काम करता है क्या बीटी ब्रिंजल को अलाव किया गया है नहीं तो यहाँ पे जीएम क्रॉप्स और आ, इनको जो रेगुलेट कर रहा है वो आपका फसाई ठीक है आ, एक सवाल आपके लिए की जो फसाई है ये आपका कौन से एक्ट के थ्रू आया था किस टाइप की बॉडी है स्टेटरी बॉडी है? है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में डायरेक्टली और जी इसको रेगुलेट कर रहा है अगर हम देखें कि इंडिया के कंटेक्स में मेजर एडवांटेज हमारे क्या हैं तो उसमें देखो यही चैलेंजेस हमारे रहते हैं बट यही एडवांटेजेस भी हैं कि इंडिया में स्किल्ड पॉपुलेशन है क्योंकि हम लेस देन 25 इयर्स में बहुत सारी पॉपुलेशन है तो उसको आप स्किल करके बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं बहुत सारे अभी कोर्सेज भी हैं जो रेगुलरली आपके काफी आ, मतलब प्रमोट भी किए जा रहे हैं तो उनको ये एक हमारा बड़ा एडवांटेज है बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स uh, आपके बनाए गए हैं सिक्सटी बिराक के बायोटेक इंकुबेटर्स आपके बनाए गए हैं तो रेगुलरली गवर्नमेंट भी जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है ठीक है तो इनको आप मेंशन कर सकते हैं कि भाई इंडिया ये ये काम कर रहा है ठीक है और ऑल्सो 2021 और 22 का जो हमारा बजट है वहां पे भी लेवल थ्री जो आपकी लैब्स हैं उन पे भी यहाँ पे भी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना उसके अंडर ये लैब बनाने की बात करी गई है ठीक है फिर पॉलिसी सपोर्ट आ, जो एफ आपने अलाउ कर रखी है ऑटोमेटिकल जो आपका अप्रूवल होता है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू तो वहां पे हमने 100 परसेंट अलाउ कर रखा है कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं बट मैक्सिमम जगह हमने अलाउ कर दिया है जिससे हो क्या रहा है कि एफडीआई आपकी आ रही है इन्वेस्टमेंट आपका आ रहा है तो आप और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं देन फैक्टर्स भी हम देख सकते हैं कि आ, धीरे धीरे जो पेशेंट्स हैं चाहे वो कैंसर के हों या अदर लाइफ स्टाइल डिजीजे के हों वो आपके इंक्रीज होंगे ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 तक 60 परसेंट जो डेथ है वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होंगी और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल तो ये हमारे सारे के सारे हो जाएंगे कि भाई इंडिया के क्या एडवांटेज हैं व्हाट आर इश्यूज तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया है बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड नाउ वी विल मीट ऑन मंडे 7 पीएम विद अ न्यू टॉपिक टिल देन स्टे फिट इफ यू हैव एनी सजेशन वट सो यू कैन कमेंट एंड सी यून ऑन मंडे स्टे फिट स्टे दी गुड बाय जय हिंद